इधर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। IS 24/7 से विशेष बातचीत करते उन्होंने कहा कि 500 साल के कार्यकाल की अब तक की सबसे बड़ी जीत है, सनातन और हिंदू विरोधियों की छटरी भर गई है। और उन्होंने कहा कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। श्री सीताराम भगवान की जय, सन्यासी बाबा की जय। बागेश्वर बालाजी की कृपा से वर्तमान समय में अब तक की 500 वर्ष के काल की सबसे बड़ी जीत है सनातनीय हिंदुओं की, और लगभग इस दृश्य को देखने के लिए 2,00,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने बलिदानी दी है। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं। धर्म विरोधियों की छटरी भर गई है और अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। साथ में भारतवर्ष के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? जैसे लोग दीपावली मनाते हैं, दीपावली का पर्व मनाते हैं, लोग घरों में दीपावली से ज्यादा बड़ा पर्व है यह 22 जनवरी का महोत्सव। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होने जा रही है अयोध्या में, उसको लेकर क्या कुछ कहा आपको सुनने के लिए मिला होगा। INH के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।